हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी अवर सेकंड लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एक बार क्विक रिव्यू, हमने पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी थी, जिसमें हमारा पहला था कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। उसके बाद हमने बोला था कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो आई कैन अज्यूम इट एज अल्फा कॉमा जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस अ जनरल पॉइंट कैन बी टेकन एज जीरो कॉमा बीटा या फिर जीरो कॉमा अल्फा बोल लो, बिकॉज वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। फिर मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा अल्फा कॉमा बीटा, व्हाट डज दैट मीन, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस इज मॉड अल्फा एंड उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज मॉड बीटा, अगर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया वाई एक्सिस के अबाउट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव टाइम्स द ओरिजिनल हो जाएगा। सिमिलरली किसी पॉइंट का अगर मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का अगर मैंने मिरर इमेज लिया अबाउट ओरिजिन, देन द पॉइंट विल बी माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। और लास्टली हमने इसमें देखा था, विच इज फ्रीक्वेंटली इट विल बी यूज, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, दैट विल बी सिंपली बीटा कॉमा अल्फा, इंटरचेंज कर देंगे अल्फा और बीटा को, ये देखा था। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बोला था कि अगर कोई x एक्सिस में दो पॉइंट है, लेट से a और b, a का कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा एंड b का इज लेट से बीटा कॉमा जीरो, सॉरी a का मैंने क्या बोला अल्फा कॉमा जीरो एंड b का इज बीटा कॉमा जीरो, सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी सिंपली मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, भले a किस साइड भी हो, y एक्सिस के लेफ्ट में हो या राइट में हो, सिंपली मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सिमिलरली ऑन द y एक्सिस। उसके बाद फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, उसका डेरिवेशन देखा था, और लास्टली हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। एक बार सेक्शन फॉर्मूला क्विक रिव्यू करते हैं, क्या था, लेट्स से दिस इज द पॉइंट x a जिसके कोऑर्डिनेट इज x1 कॉमा y1, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट इज x2 कॉमा y2। फिर मैंने बोला एक पॉइंट है p जो a और b को लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू म्यू कुछ भी ले लो, m इज टू n ले लो, व्हाटएवर। तो इसको क्या करते थे हम, बी के कोऑर्डिनेट क्या करते थे, लैम्डा को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेट से, और म्यू को इसके कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो मैं बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर लूंगा, लैम्डा एक्स टू प्लस म्यू एक्स वन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई टू प्लस म्यू वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, मतलब पी इज लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। फिर मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, दिस इज फॉर द इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक को, नॉट बोथ, किसी भी एक को नेगेटिव रख देंगे। जैसे मान लो इधर मैंने लिखा टू इज टू थ्री, उधर मैं क्या करूंगा, टू या थ्री में से किसी भी एक को नेगेटिव रख दूंगा, लेट्स से माइनस टू, तो मेरा एक्सटर्नल फॉर्मूला आ जाएगा एक्सटर्नल का, ठीक है। और मैंने ये भी साथ में बोला था कि एक्सटर्नल का एज ए सेपरेट फॉर्मूला याद ना करके हम इंटरनल से ही एक्सटर्नल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं उसके ऊपर। सो फॉर दैट आई विल रब द बोर्ड, क्या बोल रहा हूं मैं देखना। मैंने बोला कोई भी दो पॉइंट ले लिए, लेट्स से मैंने लिखा ए इज लेट्स से 1, 2 एंड लेट्स से बी पॉइंट इज लेट्स से 2, 6 ले लिया, चलो ठीक है। फिर मैंने बोला एक ऐसा पॉइंट जो ए बी को, चलो दोनों करते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने बोला ए बी को मैंने ऐसे लिख लो, चलो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी। अब फर्स्ट पार्ट इंटरनली इन दी रेशियो लेट से 2:1, सिंपल सा ले लेते हैं 2:1, ठीक है, ये लिया। और इसी में सेकेंड पार्ट इज एक्सटर्नली, बस करो एक बार करो, ठीक है ना, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, देखना मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लो क्वेश्चन। 2:1 में निकालना मुझे ए बी को, 2:1 में, तो इंटरनल पहले देख लेते हैं। तो इंटरनल उसने बोला ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, द पॉइंट इज अवे फ्रॉम ए एज कंपेयर टू बी, मतलब ए से वो ज्यादा दूरी पे है, तो ए से ज्यादा दूरी पे है, तो लेट से ये ए है, तो दिस विल बी समवेयर पी, दिख रहा है। अब ये रेशियो 2:1 है, दिस इज 2:1 रेशियो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दिस लेंथ इज 2, अगेन आई एम कीपिंग, दिस इज नॉट द लेंथ, 2 इज द रेशियो, 2:1, क्लियर है। तो हम पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे,
पी का एक्स कोऑर्डिनेट देखना, उल्टा करते इस टू को तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू विच इज 2, तो 2 इंटू 2 प्लस दिस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो फाइनली दिस विल कम आउट टू बी, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट दैट इज फॉर इंटरनल डिवीजन, तो 2 टू द 4 4 प्लस 1 5 5 बाय 3 कॉमा एंड 6 टू द 12 12 प्लस 2 14 14 बाय 3, तो ये हो गए हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल कहानी है। अब एक्सटर्नल के लिए मैंने क्या बोला तुम्हें, क्या करना है हमें एक्सटर्नल के लिए, लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक को माइनस रख दो, तो 2:1 था तो मेरे अगर फॉर्मूले के हिसाब से मेरा लैम्डा इधर कितना है 2, म्यू कितना है 1, ये तो इंटरनल के लिए हो गया। अब मैंने बोला एक्सटर्नल के लिए क्या करो, लैम्डा को तो 2 ही रहने दो और म्यू को माइनस 1 कर दो, या फिर और लैम्डा को माइनस 2 कर दो म्यू को 1 रख दो, तो कोई भी एक ले लो, लेट्स से ये रख देते हैं। तो देखो जहां जहां मैंने म्यू है उधर 1 की जगह मैं माइनस 1 रखूंगा इसी फॉर्मूले में, तो मेरा एक्सटर्नल वाला पॉइंट आ जाएगा। पहले एक बार डायग्राम से समझते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट आने कैसे वाला है। देखो मैंने क्या बोला, जब भी इंटरनल होगा तो जो पॉइंट होगा दैट विल बी लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट AB, बट अभी मेरे को क्या बताना है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कैसे, देखो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, देखना एक्सटर्नल के लिए मैंने बोला AB लाइन सेगमेंट पे नहीं आएगा, AB के बाहर आएगा, तो AB के बाहर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कैसे कैसे देखना, उसमें से एक रिजेक्ट करेंगे हम, दिस इज बी दिस इज पॉइंट A। मैंने बोला AB पे अगर पॉइंट होता है तो वो तो इंटरनल हो गया, AB के बाहर मतलब एक रीजन ये है, चलो इसको डेड डैश लाइन से बना देते हैं दूसरे कलर से। मैंने बोला AB के बाहर, जस्ट अ सेकेंड, सी हियर, AB के बाहर एक तो ये वाला राइट रीजन है और एक इस साइड बी वाला रीजन है। अब कहां आएगा एक्सटर्नल के लिए, दोनों जगह में से एक जगह आएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, रेशियो क्या है। अब हमें दिया था पी जो है वो एबी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 लिया था हमने, 2:1 मतलब क्या है, जो पॉइंट पी है वो ए से ज्यादा दूरी पे है, तो डेफिनेटली वो इस साइड तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर इस साइड मैंने पी ले लिया तो ए से कुछ कम दूरी पे हुआ, बी से ज्यादा दूरी पे हुआ, दैट मींस इस रीजन में आएगा पी, ये तो पक्की बात हो गई डायग्राम से। तो मैंने मान लिया लेट से पी इज समवेयर हियर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक तरीका तो क्या है, इसमें म्यू की जगह माइनस 1 डाल दो, हमने पहले 1 रखा था 2:1, अब 2:-1 रख दो, तो एक बार मैं निकाल लेता हूं पी एक्सटर्नल के लिए, दिस इज पी इंटरनल। तो देखो इधर मैंने ये मेरा बेसिकली ये था माइनस 1, ये होगा मेरा माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस 1, तो देखो क्या आएगा 2:4 4 माइनस 1 3 3 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 अपॉन 1 3, वो क्या होगा देखो 6:12 माइनस, और ये भी मेरा माइनस 1 होगा, ठीक है 12 माइनस 2 विच इज 10 और 10 बाय 2 माइनस 1 मतलब 10 हो गया, तो 3:10 आ गया, एक तो ऐसे आया। बट मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी कि हम ऐसा ना करके हम सिंपल इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे देखना ध्यान से सुनना, मैंने को नहीं पता ये रेशियो कितना, ये पॉइंट पी क्या है, तो मैंने मान लिया लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा मेथड 2 टू फाइंड द दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, सुनना ध्यान से। अब उसने क्या बोला है देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब एक मिनट इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला कि जो ए पी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पी क्या कर रहा है, पी का डिस्टेंस ए से ट्वाइस है एज कंपेयर टू बी से, मतलब क्या है डायग्राम के हिसाब से, ये जो है सुनना देखना ध्यान से, ये जो चीज है दिस इज 2 दिस इज 1, 2:1 यही होना, P का डिस्टेंस A से इज ट्वाइस एज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B, तो इसको मैं अब B पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैं B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ध्यान से, देखो ये तो करेक्ट है कि P जो है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इन द रेशियो 2:1, लिख लो अगर लिखना है तो तुम्हें, इस डायग्राम के हिसाब से P पॉइंट डिवाइड्स AB बोला है, ठीक है ना, AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। इसी स्टेटमेंट में मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोल सकता हूं इस डायग्राम के हिसाब से, ये पूरा 2 है ये 1 है तो ये कितना हुआ 1, तो मैं बोल सकता हूं बी डिवाइड्स ए पी इंटरनली इन द रेशियो 1:1, समझ में आया क्या बोला, बी पॉइंट डिवाइड्स ए पी इंटरनली इन द रेशियो 1:1,
तो मैं बी का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखो अब ये तो खैर आना ही बहुत सिंपल हो गया, 1:1 आ गया, मतलब मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के हिसाब से मेरा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 + α/2 एक्स कोऑर्डिनेट, 1 + α/2 एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2 + β/2 2 + β/2 दिस इज व्हाट बी के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, या फिर बी पॉइंट डिवाइड्स ए पी इंटरनली इन द रेशियो 1:1 मिड पॉइंट है। अब ये चीज दे क्या रखी है मुझे, बी के एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है 2 और ये कितना दे रखा है 6, तो इसको जब मैं 2 से इक्वेट करूंगा तो अल्फा क्या आएगा, यही आएगा। देखो करके देख लो, 1 + α/2 इज इक्वल टू 2, तो 1 + α = 4, α = 3 आया ना। सिमिलरली 2 + β/2 इज 6, तो इधर से 2 + β इज 12, तो बीटा इज 10, तो बीटा इज 10। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि एक्सटर्नल के लिए एज सच हमें अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो इंटरनल फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो ना मैंने एक्सटर्नल को इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी का मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, रेशो चेंज कर देता हूं, क्योंकि इधर तो लकीली क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, तो थोड़ा और ज्यादा आसान हो गया, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, मैं केवल रेशो चेंज करने वाला हूं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। देखो अब मैं रेशो कैसे चेंज कर रहा हूं, देखना दोनों पार्ट के लिए, ए और बी रिमेन्स द सेम। अब मैं लिख रहा हूं पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी, मतलब वही दोनों पार्ट लिख लो, इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट पार्ट वही पी, पी इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। अब मैं रेशियो लिख रहा हूं, लेट्स से 3:2, चलो 2 ले लेते हैं, 3:2 इंटरनली, पहला पार्ट इंटरनली और दूसरा पार्ट एक्सटर्नली, ठीक है। तो पहले इंटरनली पे आते हैं, तो इंटरनली पे 3:2 है, इसका मतलब ए से थोड़ा ज्यादा दूर है, इंटरनली मतलब ए बी लाइन सेगमेंट पे आएगा, सो इट विल बी समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, ये इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा पी के कोऑर्डिनेट 3 × इस उल्टा करते हैं इधर, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी पी इंटरनल वाला का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 3 × 2 = 6। अच्छा पूरा प्रॉपर लिख लेते हैं क्योंकि हम माइनस भी रिप्लेस करने वाले, तो 3 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 upon λ + μ 3 + 2, ठीक है ना। 3 मेरा लैम्डा का काम कर रहा है, ये वाला 2 मेरा म्यू का काम कर रहा है। अब सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, 3 × 6 + 2 × 2 मैंने इधर गलत लिख दिया, दिस 2 × 1 देखो एक बार, एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 होगा ये, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 × 2 2 × 1 / 3 + 2 परफेक्ट है। फिर 3 × 6 + 2 × 2 2 × 2 / 3 + 2, ठीक है। तो मेरा व्हाट नंबर ये कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब मैंने बोला एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक को नेगेटिव डाल देंगे, तो लेट्स से मैंने 2 को -2 से रिप्लेस कर दिया, -2 से, ठीक है। तो पहले इसके लिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल के लिए नाउ डायग्राम देखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मेरा जो एक्सटर्नल होगा उसके लिए पी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर आएगा, ठीक है। तो देखो अब अगेन दो पोजिशन है, एक्सटर्नल इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, बट कहां आएगा, अगेन इस रेशो पे जाएंगे हम, ये रेशो 3:2 है, इसका मतलब पी का डिस्टेंस ए से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इस रीजन में तो आएगा नहीं, इट हैज टू कम समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है। अब 3:2 कहने का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देखना, मैं लिख रहा हूं ये 3 है तो ये 2 है, डायग्राम से लग नहीं रहा वैसे, ठीक है ना, बट है ये, मैंने बोला यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 अगर है तो ये 3 होगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ 3:2, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूले पे मैंने बोला कि जहां जहां 2 लिखा है इसको -2 से रिप्लेस कर दो, -2 लैम्डा इज टू म्यू, एक मिनट ये 2 नहीं था, ये था ना 3, ये हमने लिखा था 3:2, तो एक मिनट 2 × 1, हाँ ये वाला 2 है, ये -2 से रिप्लेस करो, सिमिलरली ये -2 से, ये -2 से और ये -2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा। तो करके देखते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं और मैच करेंगे हम दोनों वो डायरेक्ट इंटरनल वाले फॉर्मूले से भी करके देखेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 6 − 2 = 4 4 / 3 − 2 = 1, तो 4 आया, कॉमा 6 × 3 = 18 18 − 4 = 16 16 / 1 = 16, तो 4, 16 आ गया हमारा आंसर पी पॉइंट का। अब ये तो मैंने वो लगाया एक्सटर्नल वाला, लैम्डा और म्यू को मैंने -2 से रिप्लेस किया। अब मैंने बोला अब मैं इंटरनल वाले से कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने मान लिया
मेथड टू, लेट्स से पी पॉइंट कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा। अब पी पॉइंट जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में इस डायग्राम के हिसाब से, बट मैं बी के रिस्पेक्ट में बोलूं अगर ये 3 है ये 2 है तो दिस हैज टू बी 1। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बी पॉइंट जो है वो ए पी को 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या बोलूंगा मैं इसी डायग्राम के हिसाब से, मेथड टू फॉर एक्सटर्नल, बी डिवाइड्स, लिख लेना बी डिवाइड्स, एक मिनट, एपी इंटरनली इन द रेशियो, क्या होगा रेशियो, ये 1 है ये 2 है तो 1:2। तो बस हम इसके हिसाब से इंटरनल वाला फॉर्म लगा देते और देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो 1:2 है तो 1 इंटू अल्फा प्लस दिस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1:2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 1 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1:2। अब ये तो मेरा अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया, क्या आया ये बेसिकली बी पॉइंट, बट बी तो मुझे दिया है, दिस इज, चलो लिख लेते हैं इसको प्रॉपर, अल्फा प्लस 2/3 कॉमा बीटा प्लस 4/3। ठीक है ना, अब इसको तुम 2 के इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 2/3 इज 2, दैट मीन अल्फा प्लस 2 इज 6, तो अल्फा कितना आ गया 4, 6-2 तो देखो आ गया 4, बीटा प्लस 4/3 इज 6 तो बीटा कितना आ गया, बीटा प्लस 4 इज 18 तो बीटा इज 12। सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया 6 के अबाउट, तो बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 6 3 18 तो बीटा आया 14 आया। एक मिनट इधर हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ किया है क्या, 6 3 18 18 -4 14/1 तो ये 14 ही तो है, इधर हमने गड़बड़ लिखा है। ठीक है, क्लियर है, आई होप, अब जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे हम, बट इंटरनल एक्सटर्नल का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा और प्रैक्टिस होती जाएगी, और शीट भी दूंगा मैं तुम लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और रट के नहीं करना, समझ के, ठीक है ना, और एक्सटर्नल के दोनों मेथड से करना है। ठीक है ना, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज मेन देखी, डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला, तो बेस्ड ऑन दिस वी विल डू सम मोर इलस्ट्रेशंस, देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। और आज की क्लास में देखते पहले कितना क्वेश्चन होता है, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट डिटरमिनेंट एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वैसे स्टूडेंट्स का भी रिक्वायरमेंट है और वैसे मुझे पढ़ाना भी था डिटरमिनेंट, बिकॉज अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा स्ट्रेट लाइन में, एक क्लास बाद, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन मान लो जनरल, तो उसमें हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी डिटरमिनेंट जो लेने वाला हूं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस के बाद, तो उसमें हम एक तो 2x2 और 3x3 डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो देखेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा जब डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो पहला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,2 एंड -1,3। ठीक है ना, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया होगा ना, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉटिंग द पॉइंट्स व्हाट एवर इज गिवन, उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब एक तो क्या है कि तुम फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, ठीक है ना, फॉर्मूला तो हम भी लगाने वाले हैं, बट मैंने क्या बोला, बिफोर अप्लाइंग दैट जस्ट प्लॉट दीज पॉइंट्स, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम टॉकिंग टू फॉर एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला, सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग है प्लॉट करना पॉइंट्स को, जरूरत नहीं पड़े तो भी अभी प्लॉट करना, बिकॉज थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी से हैबिट डालोगे तो अच्छा रहेगा। और प्लॉट भी करना है ऐसे नहीं कि किसी भी स्केल में कर दिया, उसी रेशियो में थोड़ा देख के, मतलब कहने का मतलब जैसे 3,2 है ये, तो ऑफ कोर्स 3 है तो x कोऑर्डिनेट ज्यादा है, तो मैं इसको इतनी दूरी को 3 मान लो तो ये हाइट कम लूंगा मैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 2 हो गया, दिस इज 0 1 2 3 1 2, तो 3,2 है, इसका मतलब इधर आएगा ये पॉइंट,
अगेन मैंने बोला इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमने हैबिट डाला अभी से, ठीक है ना, क्योंकि जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो विदाउट फिगर होंगे ही नहीं, अगर विदाउट फिगर जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिगर दोगे तो आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ऐसे करना है, नॉट ओनली नॉट फॉर दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर द डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन. चलो माइनस वन कॉमा थ्री, तो माइनस वन एक्स कॉर्डिनेट इज माइनस वन, सो इट विल बी समवेयर, एंड थ्री, तो थ्री विल बी, ये वन है ये टू है तो ये थ्री होगा, तो इट विल बी समवेयर. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट दिस विच इज एट इक्विडिस्टेंस, तो मतलब एक ऐसा पॉइंट निकालना है मुझे वाई एक्सिस से जो इससे बराबर की दूरी पे हो, ठीक है. चलो तो करते हैं अपन, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं 3, 2, एंड इसके कोऑर्डिनेट इज -1, 3. फिगर से भी समझेंगे हम कि पॉइंट क्या आने वाला है, ठीक है. तो इक्विडिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, तो लेट से पॉइंट जो है, जो मुझे निकालना है, तो पॉइंट, अब उसमें देखो क्या ले रखा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो अब हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, हमने क्लास में बताया था कि वाई एक्सिस पे अगर मुझे कोई जनरल पॉइंट अज्यूम करना है तो आई कैन टेक इट एज लेट द पॉइंट इज, लेट द पॉइंट इज 0, α या 0, β, वॉट एवर यू वॉन्ट, समझ में आ रहा है. अब इसका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर करके विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा आ गया मतलब पॉइंट आ गया, पॉइंट आना मतलब क्या होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाना. तो इसका डिस्टेंस 0, α का इधर से कितना होगा, 0 - -1 दैट इज 1² + अच्छा डिस्टेंस बराबर है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी बराबर होगा, तो अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है. तो अल्फा माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, तो 0 - 3 इज -3 का स्क्वायर विच इज 9 + α - 2 का स्क्वायर. सो इधर से तो हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा बिकॉज अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देख लो एक बार. तो 1 α² + 9 - 6α इज इक्वल टू 9 α² - 4α + 4. तो α² 9 α² खत्म हो गया. तो ये कितना बचा, ये 6α उधर जाके 6α - 4α 2α और वो मेरा 4 इधर आके -3 आई थिंक, या -4 + 1 - 3, तो अल्फा इज -3/2. तुम्हारा पॉइंट क्या है, 0, -3/2, ठीक है. दैट मींस इट विल बी समवेयर हियर, दैट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, क्लियर है. चलो तो कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो इसको रब करते हैं, ठीक है ना. सिंपल क्वेश्चन है, अभी ऐसा नहीं सोचना कि इतना सिंपल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना. जैसे अपना कॉम्प्लेक्स में भी था, शुरू के 2-4 क्लास सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी है, ठीक है ना, बट लेटर ऑन रियलाइज हुआ, ठीक है ना. तो हर एक चैप्टर में टफ क्वेश्चन ही बनते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ इतना याद रखना कि द मोस्ट स्कोरिंग इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल द 5 पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करो, इफ द पॉइंट्स 0, 0, 2, √3 एंड a, b आर द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिख लो आर वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं है स्पेलिंग लिख लेना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन a, b इज, देन वी हैव टू फाइंड a, b. करो इसको, इक्विलेटरल मतलब क्या फैक्ट यूज करोगे, अभी एंगल से रिलेटेड तो हम कुछ पढ़े नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बट फॉर टाइमिंग अभी हमने केवल डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम क्या चीज फैक्ट यूज करेंगे कि ऑल द 3 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, दैट फैक्ट आई विल यूज, ठीक है. सो प्लॉट करना है तो यू कैन प्लॉट ऑल्सो पॉइंट, या फिर चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, बट जैसे मैंने बोला प्लॉट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो प्लॉट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब इसी को हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, सॉल्व करेंगे आगे चल के, जब एंगल एंगल के फॉर्मूले पढ़ेंगे, स्लोप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, तब डायग्राम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट 0, 0 मान लिया, एक वर्टेक्स ये 2, 2√3 और ये मेरा a, b, तो सिंपली क्या करें, तीनों साइड्स बराबर कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे क्या आएगा मेरा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 0² + 2√3 - 0² तो इधर आएगा 4 + 2√3 - 0, तो 4 × 3 = 12, बिल्कुल 12 इज इक्वल टू a² + b² तो इधर से मेरा आया a² + b² इज इक्वल टू 16, पहली इक्वेशन, ठीक है. अब एक इक्वेशन और कैसे मिलेगी, ये डिस्टेंस ही बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे मेरे को मिलेगा
ये दोनों लगा देते हैं, ये वाला और ये वाला, तो a माइनस टू का स्क्वायर प्लस b माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद वाला काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर इधर से तुम्हें ए और बी में एक लीनियर रिलेशन मिलेगा, ए और बी में, उधर से बी या ए कोई भी एक चीज उठा के क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर इधर आएगा, इधर बी स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हुआ, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट वन लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी। उधर से ए या बी किसी भी एक को, लेट से मैंने बी को ए के टर्म्स में लिखा और उठा के इधर से इधर रख दिया, तो इधर क्या होगा मेरा, ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ए की दो वैल्यूज आएंगी, ए की टू वैल्यूज आएंगी, ए की मेरी टू वैल्यूज आएंगी और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग मेरे बी के दो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल देयर विल बी टू सच पॉइंट्स, ठीक है ना, मैं आंसर लिख देता हूं इधर, ठीक है ना, इधर मैं आंसर लिख देता हूं, यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है ना, सिंपल है, अब इसमें कोई ज्यादा कलाकारी है नहीं, तो आंसर इज 4,0 एंड माइनस 2,2√3, दीज आर द टू पॉइंट्स दैट इज दैट विल फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। और एक बार तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिगर और बना के देख लो खुद से, ठीक है ना, वो पॉइंट कहां लोकेट हो रहा है, दो पॉइंट आए क्यों, दैट ऑल्सो यू कैन वेरीफाई। जैसे मान लो मैंने, चलो प्लॉट कर ही देता हूं, 0,0 इज दिस, 2,2√3, तो 2 इज समवेयर हियर, 2√3 से थोड़ा हाइट ज्यादा हुआ तो ये होगा 2√3, 2,2√3, तो एक ये पॉइंट आया, तो ये तो दो पॉइंट मेरे को पहले से दिए थे, फिर एक ए और बी एक अलग पॉइंट है, तो देखो एक 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 हमारा आंसर आया 4,0, तो 4,0 विल बी समवेयर हियर, तो एक तो मेरा आया ये वाला ट्राइंगल देखो अभी ये इक्विलेटरल है, और दूसरा अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो तो -2,2√3। और देखो ऑप्शन से भी तुम जा सकते हो, जैसे ऑप्शन में ऐसे दिया है ना कि यू कैन गो विद ऑप्शन, इसका मैं ऐसे बोल रहा हूं कि उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई जो कोऑर्डिनेट है वो इस कोऑर्डिनेट में तो आ नहीं सकता, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा नहीं अगर मैं थर्ड पॉइंट इसमें ले लूं, कैसे भी ले लूं, तो डेफिनेटली वो या तो इधर होगा या फिर इस कोऑर्डिनेट में होगा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है -2,2√3 उसको अगर तुम लोकेट करना चाहोगे तो ये आएगा वो, तो ये भी मेरा एक ट्राइंगल बनेगा, दैट इज इक्विलेटरल, तो दिस ट्राइंगल एंड दिस टू ट्राइंगल दे आर फोर वी गॉट टू इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब इक्वेशन से आ गई तो उसका एनालिसिस भी देखना जरूरी है कि मतलब दो हमें रिजल्ट मिले क्यों, ऐसा क्या था कि दो मिले, तो दिस इज द रीजन, एक इधर पॉइंट मिल रहा है और एक इधर, दैट मैथमेटिकली वी डिड, ठीक है। चलो अब कुछ सेक्शन फॉर्मूले पे आते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हो गए, अब नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चंस, और इस बार टॉपिक है जो शायद तुम लोगों को मैसेज भी आ गया होगा ग्रुप में, नहीं आया तो आ जाएगा, टॉपिक विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इस बार ट्रिगो नहीं दे रहा हूं, ट्रिगो का काफी हो गया, क्वाड्रेटिक इसलिए दिया सो दैट यू विल बी इन टच, और कोऑर्डिनेट और सॉरी कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक में काफी कुछ रिलेशन है, रूट्स रूट्स से रिलेटेड, तो एक बार रिवीजन क्वाड्रेटिक का भी करके जाना, ठीक है ना, डोंट जस्ट डू कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू रिवाइज बोथ फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, आई थिंक ऑन 6th of September इट इज, ठीक है ना, जो भी है तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से सिलेबस फॉरवर्ड कर दिया है, इट इज क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो क्वेश्चन आते हैं, द रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स 2,-3 एंड 5,6। करो इसको, मैंने क्या बोला, इसमें क्या बोला है, हमें रेशियो निकालना है जब मतलब एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो निकालना है, तो लेट्स फर्स्ट लोकेट द पॉइंट, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट आई एम लोकेटिंग इट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिगर। 2,-3, तो 2 विल बी समवेयर हियर, 3 तो नीचे आएगा तो इधर आएगा -3, दिस इज 2, तो दिस इज द पॉइंट 2,-3, ठीक है, चलो लिख लेते हैं 2,-3। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,6, तो 5 मेरा इधर आएगा और 6 मेरा और ऊपर आएगा, ठीक है ना, इट इज समवेयर हियर, तो बेसिकली ये मेरा हो गया, चलो इसको लिख लेते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, सो दिस इज 5,6। अब वो क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लेट से इसने पॉइंट पी पे कट किया, और लेट से इसको मैं पॉइंट ए दे देता हूं नाम, इसको बी दे देता हूं, ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड बेसिकली पॉइंट पी जो है वो
किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, मतलब लेट से मैंने एक मिनट, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट टू कॉमा वन, हाँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रेशियो पूछा है बेसिकली ए पी इज टू पी बी, ये रेशियो पूछा है टू फाइंड दिस, करो एक बार पॉज करके हाउ टू फाइंड दैट, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आता हूं सोल्यूशन पे। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, जब भी मानना होता है ना कि लेट्स से ये पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने फॉर्मूले में तो क्या लिखा है, लैम्डा इज टू म्यू, बट हम देखो वो तो एक रेशियो है ठीक है ना, बट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन अज्यूम इट एज लैम्डा इज टू वन, मैंने बोला लैम्डा या म्यू इज टू वन, मैंने बोला कि जैसे मैंने देखो सुनना ध्यान से, मैंने पहले जैसे जनरलाइज किया लैम्डा इज टू म्यू लिया, ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी हो जाएगा बट थोड़ा कन्वीनियंट बोल रहा हूं सो दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स तुम्हें कम दिखाई देंगे, कैसे सुनो, मैंने बोला एक तरीका तो क्या है कि मान लिया लेट द रेशियो इज लैम्डा इज टू म्यू, फिर कैलकुलेट किया तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, बट इधर मेरे दो वेरिएबल है, अच्छा मैंने बोला मान लो इससे एक मिनट के लिए मेरा आंसर आया लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू लेट से टू बाय वन आया, टू बाय थ्री आया, लेट से मान लिया, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट बट मेनली मान लिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंगल वेरिएबल मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो जब मैं इसको रेशियो लैम्डा टू वन मानूंगा ना, मैंने बोला लेट द रेशियो इज लैम्डा टू वन, तब मेरी लैम्डा की वैल्यू टू बाय थ्री आ जाएगी, विच मीन्स द सेम थिंग, इसका मतलब क्या हुआ, टू बाय थ्री इज टू वन, विच मीन्स टू इज टू थ्री, कहने का मतलब समझ में आया, जब भी तो इसे नोट करके लिख लो, वेन एवर वी हैव टू अज्यूम पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो लैम्डा टू म्यू, वी कैन टेक इट एज लैम्डा टू वन ऑल्सो, ऐसा मत सोचना कि मैंने म्यू का वैल्यू वन ले लिया, ऐसा नहीं किया है, बेसिकली वो रेशियो है ना, तो उस रेशियो को मैंने नाम दे दिया है, लैम्डा टू म्यू को बोल दिया केवल लैम्डा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर लैम्डा की जगह कुछ और बोल दो, लेट से के इज टू वन, लेट द रेशियो इज के इज टू वन, के वेयर के इसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू, तो इधर दो वेरिएबल दिख रहे थे बट हियर इट विल बी सिंगल, तो उधर से मेरे क्या डायरेक्टली के की वैल्यू आएगी, इधर मेरा क्या आएगा आंसर में, दोनों से कर लेना, मैं इससे करूंगा, इससे क्या करो, इससे जब आंसर लिखोगे तो यू विल गेट लैम्डा अपॉन म्यू का वैल्यू दैट इज टू इज टू, मतलब अगर मैंने मान लिया ये करेक्ट एक मिनट के लिए आंसर, तो उधर वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू टू बाई थ्री, अगर तुमने के टू वन माना तो उधर तुम्हारी के की वैल्यू आएगी टू अपॉन थ्री, विच मीन्स द सेम थिंग, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ दोबारा सुनो ठीक है ना, फिर भी नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पर पूछो, बट मैंने काफी स्ट्रेस दे दिया इस पॉइंट पे कि कभी भी अगर मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना है विच डिवाइड्स ए बी इन द इन सम पर्टिकुलर रेशियो, तो आई कैन एज्यूम इट एज इंस्टेड ऑफ लैम्डा एज टू म्यू आई कैन एज्यूम इट एज लैम्डा एज टू वन, ठीक है, तो उससे क्या होगा मेरा लैम्डा जो देगा वो डायरेक्टली रेशियो दे देगा, आंसर दे देगा, इधर तो क्या है मेरा लैम्डा अपॉन म्यू इज द आंसर, ठीक है, चलो तो मैं मान लिया लेट्स से लैम्डा एज टू वन, दोनों से करना लैम्डा एज टू म्यू लेके भी करना, आंसर सेम मिलेगा, चलो तो पहले एक मिनट के लिए मैं पी एक पॉइंट, मैंने तो अभी क्या किया एक पॉइंट पी है वो इन दोनों को लैम्डा टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं लैम्डा के टर्म्स में, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लैम्डा को तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं उल्टा वन को इससे, तो लैम्डा इंटू फाइव, लैम्डा इंटू फाइव वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू डिवाइड बाई लैम्डा प्लस वन कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लैम्डा इंटू सिक्स, लैम्डा इंटू सिक्स प्लस वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाई लैम्डा प्लस वन, दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लैम्डा कैसे निकालूं, लैम्डा कैसे निकालूं, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है बेसिकली एक्स एक्सिस, इस पे फोकस करो, इसका मतलब जो पॉइंट पी है और डायग्राम में भी दिखा रखा है हमने, पी पॉइंट जो है बेसिकली वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैंने बोला अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है दैट मींस इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट हैज टू बी जीरो, तो इसको जीरो इक्वेट करके आई विल गेट लैम्डा की वैल्यू, तो बस खत्म, तो सिक्स लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू, खत्म क्वेश्चन खत्म, बस आंसर आ गया वन इज टू टू, लैम्डा इज टू वन मतलब वन इज टू टू, क्लियर है, तो कभी भी इससे क्या सीखने मिला हमें कि इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग लैम्डा इज टू वन, वो तो हमने थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, बट प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द रेशियो इज लैम्डा इज टू वन, तो लाइकली लैम्डा विल बी माई आंसर, इधर क्या होगा जब तुम इधर करते, तो देखो चलो एक बार वो बताता हूं मैं, अगर तुम वैसे लैम्डा टू म्यू लेते तो क्या होता, देखो चलो कर ही लेते हैं, मैंने बोला लेट से लैम्डा टू म्यू, तो मैं क्या करता, आई एम सिंपली राइटिंग वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत है मुझे, तो लैम्डा इंटू फाइव क्या करता, एक मिनट वाई कोऑर्डिनेट सॉरी लैम्डा इंटू सिक्स प्लस म्यू इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू,
फिर मैं इसको जीरो करता, इसको जीरो करता बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैंने इक्वेटेड टू जीरो, यू विल गेट 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू, सॉरी हाँ म्यू इंटू माइनस 3, तो म्यू माइनस 3 है, माइनस है तो इधर जाके म्यू इंटू 3 हो गया, तो इधर से लैम्डा अपॉन म्यू कितना आया 1/2, तो देखो वही आया ना, लैम्डा इज टू म्यू इज 1:2, उधर हमारी डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू आ गई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, और जैसा कि स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं बट धीरे धीरे हम स्पीड अप पकड़ेंगे, ठीक है ना, पहले एक दो दिन फील आने दो, दो तीन दिन, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, काफी डिटेल में जाने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये बेस है पूरे उसके लिए, ये समझ लो कि अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन वीक हो गया ना तो आगे कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं हिलेगा, रियली बोल रहा हूं, पूरा मतलब ये फाउंडेशन है बेसिकली, ठीक है ना, फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आगे के चार चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। टोटल वैसे ही मैंने बोला 20 नंबर के अप्रॉक्स, बहुत ज्यादा होता है, 100 में से 20 मतलब 20%। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -2 एंड -3, -4 इज, देखना वर्ड पे ध्यान देना, ट्राइसेक्टेड, बाइसेक्टेड नहीं बोला, ट्राइसेक्टेड मतलब तीन पार्ट, इज ट्राइसेक्टेड, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, रफ डायग्राम बना लो या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लो, दैट इज योर विश, फर्स्ट बनाओ उसके बाद वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूं, देखना, तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड, तो पहले तो मैंने पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए विच इज 1, -2 एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी विच इज -3, -4, ट्राइसेक्टेड मतलब तीन पार्ट्स में, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्टेड मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स, तो एक पॉइंट तो ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूं पी वन, इसको पी टू, सो बेसिकली ए पी वन पी पी टू, पी वन पी टू एंड पी टू बी, दीस थ्री आर इक्वल, क्या बोला, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा अब सुनना इसका, चलो डायग्राम में टिकली लिख देते हैं, अगर मैंने बोला ये वन है तो ये वन है और ये वन है, अब क्या करें, हाउ टू फाइंड पी वन, तो P1 को एक मिनट के लिए P2 को भूल गए, पिक्चर में नहीं लाया P2 को, मैंने बोला व्हाट अबाउट P1, मैं कह सकता हूं P1 जो है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम P1 डिवाइड्स AB इंटरनली, पहले तो अंदर आ रहा है AB लाइन सेगमेंट पे, तो इंटरनली किस रेशियो में, इंटरनली इन द रेशियो 1:1 के और कुछ, इंटरनली इन द रेशियो क्या होगा बताओ, P1 ये 1 है तो ये 1+1 2 है, तो रेशियो क्या बोलूंगा, ये अगर 1 है तो ये कितना है 2, सिंपल, तो P1 डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2, बस अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो क्या करते हैं 1 × -3, तो -3 2 × 1+2 डिवाइड बाय 1+2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 1 × 4 4 2 × -2 -4 डिवाइड बाय 1+2, सो आंसर विल बी -1/3, 0, बट दिस नॉट द कंप्लीट आंसर बिकॉज पी टू भी निकालना पड़ेगा, अब पी टू के लिए क्या करोगे तुम, ए बी को किस रेशियो में 2:1, बिकॉज ये 1 है ये 1 है ये 1 है, तो इस ये रेशियो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, सॉरी दिस इज 1, सो पी टू डिवाइड्स, अब अगले में लिख लो, खुद से निकाल लेना पी टू कोऑर्डिनेट, पी टू डिवाइड्स ए बी अंदर है इसलिए इंटरनली और किस रेशियो में 2:1, दैट्स इट, सो दीज आर द टू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, पॉज करो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो सो नेक्स्ट इज, चलो एक लैंग्वेज सिंपल सा है ये भी, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स -3, 4 एंड बी इज 2, 1, ठीक है ना,
A is -3,4 and D is 2,1. Then the coordinates of point C on AB produce, likh leta hun. Then the coordinate, then the coordinates of point C on AB produced. इसका मतलब समझना इंग्लिश लैंग्वेज. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी. करो पहले डायग्राम बनाओ. फिर उसने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट में नहीं है, ए बी के बाहर है, ए बी को प्रोड्यूस करा, उसके बाद उसमें पॉइंट लिया. ठीक है ना, दैट मीन्स दे वर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो देखो पहले तो मैंने पॉइंट ए और बी लिखे. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज माय ए. कलर दूसरा ले लेता हूं. लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -3,4 एंड द पॉइंट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2,1. अब इस रेशियो पे आते हैं पहले, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए तो दो पोजिशन है, एक तो ये और एक ये. कौन सा होगा वो डिपेंड करता है ये रेशियो क्या है. तो सी पॉइंट के हिसाब से तो ये क्या लिखा है, ए सी अपॉन बी सी is equal to 2. C point divides AB in the ratio 2:1. तो internally externally है, तो externally कैसे पता चला, AB को produce करके बना, उस पे point है C, तो मतलब external है. अब इससे ये पता चला कि C का जो distance है वो A से ज्यादा दूर पे है, because 2:1 है ना, तो इसका मतलब ये region नहीं हो सकता, because अगर इस region में लिया तो वो A के ज्यादा नजदीक होगा, तो ratio 1 से कम आना चाहिए था. Since ratio is greater than 1, definitely the point will be somewhere here on this right of BC. Let's say this point is P. जो P नाम दिया इसको C बोला इन्होंने. According to the question, let's say this is C. No problem. तो बस अब क्या basically? इसको अगेन दो तरीके से कर सकते, एक तो external से और एक internal से भी. तो उसने बोला है AC is to BC is 2:1. मतलब ये ratio, ये अगर 2 है, अगर है, मतलब length अगर ये length अगर 2 है, तो ये length 1 होगा. जब ये ratio 2:1 है, तो इसका मतलब ये 2 है, ये 1 है, तो definitely ये क्या होगा, ये भी 1 होगा. So what is the conclusion? B is what? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर ऐसे बोलो बी डिवाइड्स ए सी इंटरनली इन द रेशियो 1:1. तो डायरेक्टली मैं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने मान लो इंटरनल की मदद से करना, एक तो एक्सटर्नल किससे कर सकते हो, एक्सटर्नल क्या रखोगे, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1. तो लैम्डा को 2 ले लेना, म्यू को -1 ले लेना, दैट वे यू कैन डू. सेम क्वेश्चन तो हमने किया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, बस अब लैंग्वेज में दे दिया थोड़ा सा. और मिड पॉइंट से कैसे लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं. लेट्स से मैंने इसके पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं. व्हाट, कैसे लिखूंगा, बी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो बी के कोऑर्डिनेट इज अल्फा -3/2 कॉमा बीटा +4/2 एंड इक्वेट टू दीज टू. तो तुम्हें अल्फा -3 इज 4, अल्फा -3 इज 4, तो अल्फा इज 7 एंड बीटा +4 इज 1, तो बीटा +4 इज 2, बीटा इज -2 -2. So this is the coordinates 7, -2 is the answer. I hope clear हो गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. पॉज करो, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना. हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें कोई क्वेश्चन डाउट आता है और उतना क्लियरिटी नहीं हो पाता है सॉल्यूशन पे, पेपर पेन पेपर सॉल्यूशन पे, सो यू कैन आस्क फॉर द वीडियो सॉल्यूशन ऑल्सो. मतलब वीडियो सॉल्यूशन से मेरा मतलब है क्लास में जो रेगुलर क्लास है उनके बीच में आई कैन टेक दैट इलस्ट्रेशन पर्टिकुलर, ठीक है ना, दैट पर एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन लगता है कि उतना क्लियरिटी नहीं आया, जो मैं सॉल्यूशन व्हाट्सएप करता हूं तुम्हें उससे, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है तुम फेस टू फेस तो हो नहीं मेरे सामने अभी, ठीक है ना, सामने समझाने के अलग ही है, तो वो तो हम नहीं कर सकते. बट एक ऑल्टरनेटिव है कि दोस क्वेश्चंस जो अच्छे हैं, जो तुम्हें लग रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन मुझे मतलब समझना है, ठीक है ना, तो बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वॉइस मैसेज पे करो, तो उससे बेटर है कि आई विल एड अप इन द क्लास नोट्स, मतलब क्लास में ही मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना. तो दैट डिपेंड्स तुम लोग कौन सा क्वेश्चन मुझे बता बोलते हो क्लास में लेने को, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये करो. लेट मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,3, 3,7 and -2,1. Then find vertices ABC. क्या vertices ABC निकालना, मतलब उनके coordinates निकालना है. Find ABC. ये जो दे रखा है
these are not the coordinates of vertices, these are basically the midpoints of sides of a triangle. ठीक है, पॉज करो, खुद से करो एक बार. ठीक है, मैं इसके अब सॉल्यूशन पे आता हूं. तो देखना ध्यान से, ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल. ठीक है, अब उसमें नाम कर देते, नामकरण कर देते, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, लग रहा है बहुत कैलकुलेशन है, बट थोड़ी तो होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी. तो घोसले क्या क्या दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, तो दिस इज 2.3, ये मिड पॉइंट इस साइड का है, दिस इज 3.7, और एक ये पॉइंट है मिड पॉइंट, दिस इज -2.1. इनको भी नामकरण कर देते हैं, तो लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ. ठीक है, बेसिकली मुझे साइड्स का मिड पॉइंट दिया है और वर्टिसेस पूछा है, तो क्या करें. तो ऑफ कोर्स पहले तो हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है ना, लेट द पॉइंट ऑफ ए वन इज, कुछ भी मान लिया, लेट्स से एक्स वन कॉमा वाई वन, सिमिलरली बी का एक्स टू कॉमा वाई टू, एंड सी का एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री. अब फैक्ट यूज करते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वन और एक्स टू, वाई वन वाई टू के टर्म्स में, तो आई कैन से कि डी का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, एंड दिस इज गिवन एज 2.3. तो देखो दिखने में लगेगा बहुत लेंथी हो रहा है, बट कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. लगेगा कि हमने छह वेरिएबल एज्यूम कर लिए, छह इक्वेशन आने वाली है, तो छह इक्वेशन छह वेरिएबल, तो बहुत हालत खराब होने वाली है, ऐसा नहीं है बिल्कुल. इक्वेशंस विल बी प्रीटी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से सॉल्व हो जाएगा. वैसे मैं पूरा करवाने वाला हूं. हाँ, अगर तुम्हें लगता है यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग. तो ये क्या लगाया मैंने, बेसिकली मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ये एक्स वन है, ये एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इज टू, तो ये वाला टू के बराबर है और ये थ्री के बराबर है. तो फिर से मेरी इक्वेशन क्या बनी, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 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 द फोर, दिस इज माई इक्वेशन वन, एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर यू विल गेट वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू सिक्स, दिस इज माई इक्वेशन टू. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो अब मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट ई पॉइंट, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू. तो खुद देखो अभी सिमिलर, काफी कुछ सिमिलैरिटी है ना, मतलब सिमेट्री है बेसिकली, तो कैलकुलेशन करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है ना, अभी देखना मैं डायरेक्टली इक्वेट ना करके डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई थ्री बाई टू, और सिमिलरली एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा मैं, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू. आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक. अब यहां से ये बेसिकली थ्री के बराबर है, तो देखो इधर से मैं इसको जब 3 से इक्वेट करूंगा तो x1 plus x3 के, x2 plus x3 कितना आएगा, 6. So x2 plus x3 is equal to 6. एक मिनट, 2 3 is 6, बिल्कुल करेक्ट है. और इधर से मेरा y2 plus y3 क्या आएगा, by 2 is 7, तो y2 plus y3 is 14. तो y2 plus y3 equals to 14. अभी देख बने रहना, ठीक है ना, ऐसा मत सोचे 6 इक्वेशन बन रही कैसे सॉल्व करें, 6 वेरिएबल्स बहुत टफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम. पहले लेट मी राइट द कंप्लीट इक्वेशंस, x1 प्लस x3 बाय 2 इज माइनस 2, तो x1 प्लस x3 इज माइनस 4, तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू माइनस 4, दिस इज माय इक्वेशन 5, एंड लास्टली y1 प्लस y3 बाय 2 इज 1, तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2, दिस इज माय इक्वेशन 6. नाउ दिमाग लगाओ थोड़ा सा कैसे निकालें. तो सबसे अच्छी बात क्या है इन इक्वेशंस में, सबसे अच्छी बात क्या है, कहने को तो ये ऐसा है कि छह इक्वेशन है, छह वेरिएबल्स है, बट इफ यू विल ऑब्जर्व क्लियरफुली, क्या छह के छह वेरिएबल्स हर एक इक्वेशन में इन्वॉल्व है, नहीं, पहली बात तो नहीं, हर एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है. और उससे भी अच्छी बात क्या है कि वाई वन वाई टू वाई थ्री तीन इक्वेशन में है और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीन इक्वेशन में है. तो बेसिकली ऐसे बोलना कि दीज आर सिक्स इक्वेशन इन सिक्स वेरिएबल्स, इट्स बेटर टू से थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, दैट इज प्रीटी सिंपल. क्लियर हुआ, तो जस्ट फोकस ऑन एक्स वाले इक्वेशन सेपरेटली एंड वाई वाले इक्वेशन सेपरेटली, देन यू विल सी हियर बहुत इजी हो गया. कैसे, आई एम फोकसिंग ऑन इक्वेशन वन थ्री एंड फाइव, इक्वेशन वन थ्री फाइव. देखो ये अपने आप में एक छोटी सी चीज होती है, ऐसा नहीं कि यहां तक कर लिया मेरा हो गया, नहीं, मेन दिमाग अभी लगेगा. अभी तो हमने क्या किया, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है. तो व्हेन यू विल ऐड दीज थ्री इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट इन एलएचएस, x1 plus x2, x2 plus x3, x1 plus x3, तो हर एक चीज दो बार रिपीट हो गई, तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ x1 plus x2 plus x3, और उस साइड क्या बनेगा, 4 plus 6, 10, 10 minus
4 इज अगेन 6, तो ये 2 उधर चला गया, तो बेसिकली दिस इज 3. सिमिलरली y1 प्लस y2 निकालने के लिए क्या करूं, y1 प्लस y2 प्लस y3, दैट व्हाट आई विल डू, आई लाइक 2 4 एंड 6 इक्वेशन. तो y1 प्लस y2 ट्वाइस आएगा, क्या आएगा, एक तो 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 2 22, बट ये 2 उधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 11. अब बहुत आसान हो गई कहानी, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर नहीं देता हूं, चलो ऐसे लिख लिया. नाउ यू सी कि इस इक्वेशन को अगर मैं 1 में से घटा दूं तो क्या रहेगा, डायरेक्टली x3 आ जाएगा. इसी इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 3 से घटा दूं तो x1 आ जाएगा. इसी इक्वेशन को 5th से घटा दूं तो क्या आ जाएगा, x2. तो x1 x2 x3 आ गया. सिमिलरली इस इक्वेशन को इफ आई सबट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2 तो मेरा क्या आ जाएगा, y3. इक्वेशन 4 से करूंगा तो y1, और इससे करूंगा तो y2. तो x1 x2 y1 y2 y सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों आ गए, वही तो निकालने हैं बेसिकली. क्लियर हुआ बच्चों? तो फिर आज के लिए अपन इधर ही एंड अप करते हैं, ठीक है? और कल के लेक्चर में फिर अपन थोड़ा सा डिटरमिनेंट का आइडिया लेंगे, ठीक है ना? उतना ही बताऊंगा, अगेन आई एम सेइंग उतना ही बताऊंगा जितना तुम लोगों को अभी कॉर्ड डेट में जरूरत पड़ेगी, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू.